नमस्कार दोस्तों, विंटेज ऑडियो मेमोरीज़ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत ट्विन वन है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, पैनासोनिक का मॉडल नंबर है इसका RX FS70, और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है ये दोस्तों। इसके एक ख़ास फीचर के बारे में मैं बता दूं कि इसमें दो स्पीकर के साथ आपको दो ट्विटर भी मिलते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर लेफ़्ट में एक स्पीकर है, ट्विटर है, फिर इधर ट्विटर स्पीकर। और बाकी इंटरफेस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर ये बाई एम्प लिखा हुआ है दोनों तरफ। यहाँ ब्रांडिंग, मॉडल नंबर और फुल ऑटो स्टॉप लिखा है। ये आप स्केल देख रहे हैं रेडियो के लिए, चार बैंड का इसमें रेडियो मिलता है, FM, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव 1 और 2। दोस्तों ये थोड़ा सा दुख की बात ये है कि शॉर्ट वेव 1 और 2 यहाँ पर आता नहीं है। काश ये चलता होता तो बड़ा ही अच्छा रहता दोस्तों। ये इसका ऊपर की साइड है, मॉडल नंबर इधर दिया गया है, स्टीरियो रेडियो कैसेट रिकॉर्डर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मिल जाता है फ़ोन्स, ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए, फिर ये पावर LED है, उसके बाद ये सेलेक्टर स्विच है, इसमें स्लीप, रेडियो और टेप दोस्तों, ये तीन मोड में है। यहाँ बंद रहता है, फिर ये रेडियो और उसके बाद टेप, उसके बाद बेस है, फिर ट्रेवल है दोस्तों। इसमें ट्विटर है इसलिए ट्रेवल का भी एडजस्ट करने के लिए टोन दिया गया है। फिर ये मास्टर वॉल्यूम आ जाता है। और यहाँ पर तो डेक है, आप देख रहे हैं, पॉज, स्टॉप, इजेक्ट, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, प्ले और रिकॉर्डिंग। और इस साइड में है बैंड सेलेक्टर, FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2। फिर यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग भी है और ये मेन ट्यूनिंग है। और चलिए पीछे की तरफ से भी मैं आपको इसे दिखाऊंगा, उससे पहले इसका थोड़ा सा साउंड टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। अभी यूट्यूब कॉपीराइट की वजह से ज़्यादा देर हिंदी गाना नहीं चला सकते हैं। हिंदी गाने के वीडियो के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप पे शेयर कर दूंगा। प्ले करते हैं, माफ कीजिएगा, हम ऑन कर लेते हैं। अब मैंने टेप पे सेलेक्ट कर लिया, प्ले करते हैं। तो फॉरवर्ड कर लेते हैं, 8 सेकंड से ज़्यादा यूट्यूब हमें अनुमति नहीं देता है। रिवाइंड, बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी बेस ट्रेवल के साथ ये है। आप इस सेट को ख़रीदना चाहें ना चाहें, लेकिन टेस्टिंग वीडियो के लिए आप ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। चलिए पीछे की तरफ से मैं इसे दिखा देता हूँ और उसके बाद हम रेडियो टेस्ट करेंगे दोस्तों। मीडियम वेव में यहाँ पर एक स्टेशन आता है और उसे चेक करेंगे हम, और FM रेडियो इसका चेक करेंगे दोस्तों। ये बैक साइड है, कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, एंटीना लगा है, और ये आप देख रहे हैं बैटरी लगाने के लिए जो सेक्शन होता है वो है। यहाँ मेन पावर कोड जो मैंने लगाई हुई है, और यहाँ कुछ क्वेश्चन वगैरह लिखा रहता है, बाकी तो कुछ नहीं है ऐसा दिखाने लायक। चलिए इसका रेडियो टेस्ट कर लेते हैं, से करते हैं रेडियो मोड। जरूर हर अभी FM है दोस्तों, एंटीना यमुना सिटी मॉल में।
दोस्तों ये FM था, FM में तो कुछ देखना नहीं रहता जो कि मैं दिल्ली से हूँ और ये सेट भी पैनासोनिक का है, तो वो FM तो चल ही जाता है, वो थोड़ा वो सिग्नल अच्छा रहता है। कैसा भी आप इधर रेडियो चलाते हैं तो FM सब में चलता है। मीडियम वेव पे मैंने सेलेक्ट किया, देखते हैं कोई अगर स्टेशन आ रहा होगा तो। सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक सरस मेला में कोई प्रवेश शुल्क, टिकट या पार्किंग शुल्क भी नहीं है। खरीदारी करते समय आपको सिर्फ स्टॉलों पर ही भुगतान करना होगा। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एक वीडियो संदेश में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है और सरस मेला के माध्यम से आत्मनिर्भर। मीडियम वेव भी इसमें आ रहा है, थोड़ा सा साइड से तिरछा करके रखना पड़ता है तो आवाज़ अच्छी हो जाती है। बाकी दोस्तों शॉर्ट वेव यहाँ पर नहीं आता है, तो उसे टेस्ट करने का भी कोई मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनता है। और दोस्तों कंडीशन बहुत अच्छी है, एकदम एक नए जैसा ही है, जैसे बहुत ही कम यूज़ हुआ होगा। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं या फिर इसका टेस्टिंग वीडियो हिंदी गाने वाला सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।